ओम शांति। आप सबको स्वागत है 26वें केशरी वरदान में, जहाँ परम पिता परमात्मा चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ आसन पर, यह आसन कोई बैठने वाला आसन नहीं लेकिन मानसिक अवस्था का आसन है, तो चाहते कि हम एक ऊंची स्थिति में या श्रेष्ठ आसन में बैठे ताकि हमारे अंदर कोई इम्प्योरिटी, कोई अपवित्र संकल्प, कोई भी नेगेटिविटी या व्यर्थ संकल्प ना आ पाए। तो देखिए परमात्मा कहते क्या है, परमात्मा कहते हैं सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भवा। माया मतलब कोई भी प्रकार के विकारी थॉट्स, अपवित्र संकल्प हमारे अंदर आते हैं तो उसको माया कहते हैं परमात्मा। लोग कहते हैं माया धन को, लेकिन परमात्मा कहते हैं धन माया नहीं है, धन से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। ज़्यादा धन आए और आप ज़्यादा और अच्छा कर सकते हो तो वो माया नहीं हुई, लेकिन लोभ करना धन का, संतुष्ट न रहना, वो माया है। तो जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। अगर आप अपने आप को महान समझते हो किसी भी तरीके से तो आप ऊंची स्थिति में हो, आपके अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है। कोई भी छोटी सिचुएशन, छोटी बात में आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, इनटॉलरेंट नहीं हो पाओगे, आपके अंदर सहन शक्ति रहेगी, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप बिल्कुल हलचल में नहीं आओगे, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत ऊंची है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। आपके वाइब्रेशंस जो हैं, आपके थॉट वाइब्रेशंस इतने ऊंचे होते हैं क्योंकि आप एफर्मेशन, स्वमान यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ, मेरे अंदर परमात्मा जैसे गुण हैं, मैं हर सिचुएशन में परमात्मा का ज्ञान, गुण और शक्तियाँ इस्तेमाल करके सदा ही हर सिचुएशन में विजय निकलती हूँ आत्मा। ऐसे अफर्मेशन आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको इस्तेमाल करने से आपके अंदर कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। लेकिन इन अफर्मेशन को सिर्फ ऐसे कह नहीं देना है, इनको अगर आपने सोचा तो उनके बारे में और गहराई में जाना पड़ता है। वो गहराई आप जब 7 दिन का कोर्स करते हैं तब आप सीखते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे, वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी। कौन? माया, मतलब नेगेटिव थिंकिंग। वार नहीं करेगी, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी तक उसका वार पहुंचेगा नहीं, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो, दैट मींस अगर हमने आज मेडिटेशन में अफर्मेशंस यूज नहीं करे, स्वमान यूज नहीं करे, पावरफुल थिंकिंग नहीं करी हमने, हम नेगेटिव के साथ में हमने शुरुआत करी अगर, या न्यूट्रल के साथ में भी शुरुआत करी, तो चांसेस होते हैं कि कोई इम्प्योर थॉट हमारे ऊपर हावी हो जाए। आते हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती, उसकी ताकत ही नहीं कि वो आपको आकर के परेशान कर दे, क्योंकि आपने सुबह सुबह उठ करके आपने अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करी है, आपने स्पिरिचुअल नॉलेज ली है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, वो लेने से भी आपके अंदर ताकत बढ़ जाती है। तो वो राज अगर आपको पता चल जाए नॉलेज के, मेडिटेशन के, तो जा करके आप अफर्मेशन को यूज़ कर सकते हो उस नॉलेज से, और अपने मेंटल लेवल को, इमोशनल लेवल को, स्पिरिचुअल लेवल को इतना हाई बना सकते हो कि कोई भी परिस्थिति, कोई इंसान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप ऐसे होगे कि आपको लगेगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा होने वाला है। तो आज का ये श्री वरदान, और गहराई के लिए समझने के लिए आप 7 डेज का कोर्स करें, तब आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से स्वमान या अफर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ ओम शांति।